अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? अच्छा व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। तो व्यूवर्स, आज आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन में, मेरे हाथ में एक इस्त्री है, जो इसकी हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे और आप दोस्तों को बताएँगे कि असली इस्त्री और फेक इस्त्री की पहचान कैसे कर सकते हैं आप, और एक अच्छी इस्त्री में क्या खूबी है और एक फेक इस्त्री में क्या खामी है। और आप देख सकते हैं कि ये हम अभी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, ये अब इसकी हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे कि ये इस्त्री में क्या क्या है और ये किस क्वालिटी की इस्त्री है। ये देख सकते हैं आप, जी जनाब, ये इसके अंदर से हमें देखने को मिलता है। इसका डब्बा करेंगे साइड पे और ये इसकी सेफ्टी, और ये है अंदर से इसकी इस्त्री जो है हमें देखने को मिलेगी। अब व्यूवर्स, ये तो सब दोस्त हमारे देख ही लेते हैं कि ये देखिएगा इस्त्री है, ये इसकी सोल प्लेट और ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन दोस्तों अब पहचान कैसे करें कि ये इस्त्री अच्छी है या नहीं। हाल ही में हमारे एक जो दोस्त हैं, हमारे कस्टमर हैं, उनके साथ ये हुआ है कि उनको अभी 1.5 से 2 माह तकरीबन हुए हैं इस्त्री लिए हुए। तो जब वो मेरे पास लाए, उनकी इस्त्री में कोई मसला आया, तो जब मैंने उनको ओपन करके देखा है तो वो जो है अंदर से कुछ और ही निकला है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी जनाब, ये हमने ओपन कर ली है और अब आपको दिखाएंगे कि एक इसके अंदर क्या क्या है और इसकी कैसी, इसकी क्या इसकी परफॉर्मेंस है, ये आपके सामने देख सकते हैं। आपके एक अच्छी इस्त्री की पहचान और मकसद आप लोगों को दिखाना है, आप दोस्तों को जनाब। तो व्यूवर्स, यही है मेन चीज़ इस्त्री की। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो इसका एलिमेंट है ये बिल्कुल कंसीट है। तो जो हमारे दोस्त के साथ हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं कि उन्होंने जो इस्त्री लाई थी वो जब हमने खोली तो उसके अंदर क्या था, वो भी आप दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। तो जनाब, ये है वो इस्त्री, तो इसको खोलते हैं और आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं कि इसके अंदर से क्या निकला है। ये हमने पहले खोली हुई है, ये देखिए जनाब, ये है इसके अंदर जो निकला है, ये चिप है और ये इस इस्त्री के अंदर था। जब मैंने खोली तो मैं हैरान रह गया कि जिन पैसों में ये इस्त्री लाए हैं उस पैसों में कि इनको ये क्या मिल गया है। और ये आपके सामने है, ये देखें, ये चिप है। तो ये चिप जो है ये तो बिल्कुल बहुत ही घटिया किस्म की क्वालिटी की है। और एक ये एलिमेंट आपके सामने है, ओरिजिनल जो इस्त्री है उसके अंदर हमेशा कंसीट एलिमेंट होगा। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। अब इस्त्री बंद में आप लोग सोच रहे होंगे कैसे देख सकें, तो इसका वैसे दोस्तों आप जो है इस्त्री को एलिमेंट उसका कंसीट है या पतरी वाली है या फिर ओपन एलिमेंट वाली है, उसको आप एक तरीके से चेक कर सकते हैं। उसका चेक करने का तरीका, इस पतरी है, इसकी बैग वाली पतरी को आप ज़रा से टेस्टिंग में से ऊपर उठाएंगे तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। आपको शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आप इसको यहाँ से देख सकते हैं तो ये अंदर आपको पता चल जाएगा ये पतरी वाली है या एलिमेंट वाली। और इसको दोबारा से यूँ करके इसको आराम से बंद कर सकते हैं। तो ये एक इसका तरीका है देखने के लिए। हैंडल और शेप की बना पे सब इस्त्रियाँ ऊपर से डब्बे में एक ही होती हैं, लेकिन अंदर ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एक बिल्कुल चिप है जो कि कुछ अर्सा चलने के बाद ये अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और इस्त्री की हीट भी नहीं थी, तो कुछ दिन पहले तो वो लाए तो मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ किया तो मैं हैरान था कि ये तेज़ भी इतनी ही हो रही है। उसकी वजह यही है कि ये जो है ये इस्त्रियाँ इतनी कामयाब नहीं है, जबकि ये इस्त्री है ओरिजिनल इस्त्री की पहचान यही है कि ये इसका एलिमेंट जो है बस ये कंसीट होगा। बाकी दोस्तों इस्त्री में कुछ इतना ख़ास होता नहीं है कि जो आप लोगों को मैं आप लोगों से बताया जाए, बस ये मेन चीज़ इसकी जो है वो एलिमेंट ही है। तो व्यूवर्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा टॉपिक जिस पर मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।